भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मेरे तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सहयोगी और मित्र डॉक्टर विजय भास्कर रेड्डी, यहाँ मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी, अन्य अधिकारी श्री लव अग्रवाल जी, श्री विकासशील जी, डॉक्टर सचिन मित्तल जी, सीडेक के डॉक्टर सूद और डॉक्टर खोसला, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि हमारे बहुत सारे हेल्थ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, आंध्र प्रदेश से डॉक्टर जवाहर रेड्डी, गुजरात से डॉक्टर जयंती रवि जी, हिमाचल प्रदेश से आरडी धीमन साहब, केरल से डॉक्टर राजन, महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रदीप कुमार, पंजाब से श्री अनुराग अग्रवाल, राजस्थान से श्री अखिल अरोड़ा, तमिलनाडु से डॉक्टर राधाकृष्णन, उत्तर प्रदेश से अमित मोहन प्रसाद जी और उत्तराखंड से अमित सिंह नेगी जी, और भी शायद जुड़े होंगे लेकिन मुझे जिनकी जानकारी है कि वो अभी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मिशन डायरेक्टर्स भी आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं और सारे इन प्रमुख स्टेट्स में और यहाँ हमारे कार्यालय में और कार्यालय से दूर भी बहुत सारे हमारे मीडिया के मित्र भी आज के इस अवसर पर जुड़े हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन भी आप सब लोग अपने अपने दफ्तरों में, कार्यालयों में अपनी कमिटमेंट का परिचय देते हुए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने सबने शिरकत की है। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत खुशी का, संतोष का और उल्लास का अवसर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए ये मेरा लगभग 5वां दशक है और मुझे याद है कि 70 के दशक में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के लोगों के लिए एक हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 इस प्रकार के सपने को बड़े उत्साह के साथ और बड़े आग्रह के साथ दुनिया के सामने रखा था। जब सन 2000 आने वाला था तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बारे में चिंता करता था कि कैसे किसी दिन ये हेल्थ फॉर ऑल का सपना साकार होगा। मुझे याद है कि जब 2000 का अंत आया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं जापान के कोबे शहर में एक सम्मेलन किया था और उसमें इसी बात की चिंता को ध्यान में रखते हुए कि हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 हम अचीव नहीं कर पाए तो आने वाले 21वीं शताब्दी में क्या क्या कुछ करना है जिसके कारण ये अचीव हो पाए, तो एक बहुत बड़ा कोबे शहर में जापान के हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट फॉर द 21st सेंचुरी ऐसी एक मीटिंग की थी जिसमें दुनिया भर से 125 लोगों को बुलाया गया था। मुझे भी भारत की तरफ से उस मीटिंग में शिरकत करने का मौका मिला था। उसमें बहुत सारी बातें हुई थी लेकिन जो शायद आज के प्रसंग में भी प्रासंगिक हैं, उसमें ये कहा गया कि दुनिया के अंदर 21वीं शताब्दी में स्वास्थ्य को एक बड़ा आंदोलन तो बनाना ही होगा लेकिन इसमें प्रिवेंशन, प्रमोशन, पॉजिटिव हेल्थ, भारत के इंडिजिनस जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, भारत का योग, भारत का मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों का वहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर उल्लेख करके रिकमेंडेशंस के रूप में दिया गया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 6 साल में हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की सोच को
प्रतिपादित ही नहीं किया जा रहा, जिस प्रकार की सोच को कार्यक्रमों के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हुए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, मुझे इस बात का कतई कोई ज़रा सा भी शक और शुभा नहीं कि हेल्थ फॉर ऑल का जो एक सकारात्मक लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के लिए रखा है, उस लक्ष्य को अगर सफलतापूर्वक कोई देश दुनिया के अंदर सिद्ध और सार्थक करके दिखा सकता है या दिखा पाएगा, तो उसकी योग्यता और उस बात की क्षमता, शायद भारत 135 करोड़ का इतना बड़ा देश है उसके बावजूद भी भारत के अंदर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि 2014 में पहले दो महीने के अंदर अंदर जो शुरुआती कैबिनेट नोट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने प्रस्तुत किए, उसमें डिजिटल इंडिया का भी एक कैबिनेट नोट था। और दूसरा उनका संकल्प मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए हर प्रकार की सुविधा इस टेलीफोन के अंदर उपलब्ध कराना चाहता हूँ, मैं हर बच्चे के लिए शिक्षा की सुविधा, हर हिंदुस्तानी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, इकोनॉमिक सर्विसेज की सुविधा, नॉलेज की सुविधा, सोशल सर्विसेज की सुविधा, सब कुछ मैं इस टेलीफोन के अंदर उपलब्ध कराना चाहता हूँ। और वो समय था 2014 में जब भारत के अंदर केवल 356 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर की जो लाइनें हैं डली हुई थी। आज 2020 में जब हम बात कर रहे हैं तो शायद हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर का केबल पहुंच चुका है। डिजिटल सुविधा जो है वो हर एक व्यक्ति के टेलीफोन में उपलब्ध हो गई है। और हम जो कुछ भी सपना बड़े से बड़ा देखें, उस सपने को हम अपने इस डिजिटल मूवमेंट के माध्यम से साकार करके दिखा सकते हैं। आज का ये अवसर विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय को तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अपने सभी साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब हम लोगों ने इसी कमरे के अंदर इस बात पर चर्चा की थी कि कैसे मेडिकल कॉलेज के बड़े से बड़े प्राध्यापक को, डॉक्टर को, देश के दूर दराज के अंदर रहने वाले गरीब को भी उसकी नॉलेज और उसके द्वारा दी गई जो डॉक्टरी सलाह है उससे किस प्रकार से हमने जोड़ना है, देश में एक भी व्यक्ति जो है हाईएस्ट क्वालिटी की इंटेलेक्चुअल नॉलेज से जो मेडिकल फील्ड की हो, इलाज करने के लिए सक्षम हो, उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। और पिछले जो 6-8 महीने हैं हम सब जानते हैं कि ये 8 महीने किस प्रकार से बीते हैं, 9 महीने ये सारे के सारा साल तो शायद पूरी तरह से कोविड को समर्पित हो गया। इस कोविड के अंदर भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय, सारे देश भर के हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्री, वो कितने स्ट्रेस के अंदर लगातार काम करते रहे हैं। और उस स्ट्रेस में काम करते हुए भी आज पूरे भारत को हमने सारे दुनिया के सामने बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। सबसे कम दुनिया के अंदर पर मिलियन केसेस, सबसे कम डेथ, सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट, सबसे कम फैटेलिटी रेट, सबसे ज़्यादा टेस्ट। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो देश अप्रैल के महीने में 6,000 टेस्ट करता था उसने कल 7 लाख से ऊपर टेस्ट किए हर रोज़। हृदय से अभिनंदन है। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों में भी जिस स्वप्न को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने नवंबर के महीने में इसी कमरे में चर्चा की, आज लगभग 8-9 महीने बाद हमें कितनी खुशी हो रही है कि लगभग 23 स्टेट्स जो है वो देश के अंदर हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। कई स्टेट्स, जैसे अभी तमिलनाडु की बात हो रही है, और भी कई स्टेट्स की बात हो रही है, किसी स्टेट का नाम मैं नहीं ले रहा इसलिए क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, सबने मनोयोग से जो है इसके अंदर काम करना शुरू किया।
और आज हम इस परिस्थिति के अंदर आए हैं कि शायद दिन भर में हमारा 5 लाख तक कंसल्टेशंस करने का पोटेंशियल भी खड़ा हो गया है, किसी भी स्तर तक हम जा सकते हैं। भले ही अभी हमने 1.5 लाख टोटल कंसल्टेशंस किए हैं, लेकिन हमारा पोटेंशियल जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि देश में 500 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। और जब एक बार एक सफल मॉडल हम विकसित कर देंगे इस ई संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से, इन ई संजीवनी ओपीडीज के माध्यम से, और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आयुष्मान भारत दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम कर चुका है, जहां 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे लाभार्थी हो चुके हैं, जहां 1.5 लाख हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में से 40,000 और 50,000 के बीच में हम देश में ऑलरेडी विकसित कर चुके हैं, अगले 2 साल के अंदर 2022 तक 1.5 लाख तक हम पहुंचने वाले हैं। देश की आज भी जो है 75% आबादी जैसा बताया गया, उसके साथ हम लोग जो है कनेक्ट होने की स्थिति में हैं। इसके लिए कोई भी जितना भी बड़े से बड़ा हम लक्ष्य रख लें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्वालिफाइड मैन पावर है, पर्याप्त योग्यता है, पर्याप्त क्षमता है, और सीडेक जैसी इंस्टीट्यूशंस के हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, विद्वान हैं, सारे देश में हमारे पास सहयोग करने के लिए अधिकारी हैं, सारे देश में हमारे पास स्वास्थ्य के मंत्री हैं। और फिर जिस प्रकार से हमने ये सोचा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऊपर हम हर जगह पर एक स्वास्थ्य का जन आंदोलन विकसित करने का, उसको एक तरह से न्यूक्लियर फोकल पॉइंट बनाएंगे, वहाँ पर जहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए अभी ऑलरेडी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, 3 प्रकार के कैंसर, इनकी बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, करोड़ों की तादाद में हर प्रकार के जो विशेष रूप से जो कोई ब्रेस्ट का, सर्विक्स का, ओरल कैविटी के कैंसर्स, इनकी स्क्रीनिंग, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में काम शुरू हो गया है। और फिर जिस तरह से अभी डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू पेशेंट, और उसमें भी हाईएस्ट क्वालिटी के डॉक्टर्स, उनका कनेक्ट करने का ये जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम देश में इस ई संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से विकसित हो रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक प्रेरणा है, वो हर काम में गरीब का जो कल्याण है उसको हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। कब हम किस तरह से देश का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, दूर दराज के इलाके में रहता है, सब प्रकार की शायद सुविधाओं से वंचित हो, लेकिन उसको भी हमने कैसे सुविधा पहुंचानी है, और कैसे अफोर्डेबल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे निशुल्क की बात हो रही है। कंसल्टेशन आज के युग में हम जानते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर होता है, वो अगर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर अगर जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर बैठ के जब अपनी जानकारी और अपनी नॉलेज के आधार पर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो बहुत स्थानों पर उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखने की फीस ही जो है खाली प्रिस्क्रिप्शन लिखने की 2,000 रुपये तक होती है। यह साधारण सी बात है, लेकिन इतने योग्य और इतने सक्षम डॉक्टर्स की जो नॉलेज है, उसका लाभ इस देश के 135 करोड़ लोगों को आने वाले वर्षों के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि सारे देश में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालयों ने इस काम को अगर पूरे मनोयोग से किया, मैं मनोयोग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, खाली सरकार का कार्यक्रम है इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाना, ये एक प्रकार से बड़ा यज्ञ है। और ये समझ लीजिए कि जो गरीब की जो चिंता और गरीब की जो सेवा होती है, वो ईश्वर की सेवा के समान होती है। और अब मॉडल डेवलप हो गया है, विकसित हो गया है, बताया गया है कि 1,500 कंसल्टेशंस हो गए हैं, अब तो इसको दिन प्रतिदिन हमको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, इसका जो विस्तार है उसको आगे बढ़ाना है। और मैं अभी बैठे बैठे मुझे ख्याल आ रहा था, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, सन 2000 के अंदर मैंने चेन्नई के अंदर ही, मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि के रूप में मैंने दौरा किया था, तो चेन्नई के ही एक प्रतिष्ठित
आई सेंटर से, चेन्नई के ही एक गांव के अंदर से, और वहाँ पर उसकी आँख की जो फोटोग्राफ्स है उसको वो टेली मेडिसिन के माध्यम से ट्रांसफ़र करते थे, और उसके आधार पर उसकी आँख का जो है बहुत सारी बीमारियों का डायग्नोसिस होता था। उसकी कैटरेक्ट तो नहीं है, उसको कोई लेंस में तो कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का, और वो एक प्रकार का एक जिसे कहते हैं कि एक मॉडल जो है वो WHO डेवलप कर रहा था। उस समय मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा आंदोलन के रूप में 20 साल बाद हमको जो है स्वयं इसको देखने का मौका मिलेगा। और अभी तो बहुत खुशी की बात है कि भारत ने अपना सारे भारत के लिए जो नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हेल्थ का जो बहुत बड़ा जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत तेज़ी से तैयारी हो रही है। आने वाले समय में संभवतः उसकी बड़े पैमाने पर जो है देश की तरफ से घोषणा भी होगी, और हम सारे देश के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की दिशा के अंदर और इन सारी चीज़ों को जो है एक दूसरे के साथ जोड़कर, एक तरफ आयुष्मान भारत, एक तरफ हमारी स्कीम्स, एक तरफ हमारा प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ का आंदोलन, और एक तरफ जितनी भी प्रकार की जो हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजेस का एक्सपेंशन, इन सारी चीज़ों को जोड़कर अगर सारे देश के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारे मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, सब ने मिलकर मनोयोग से काम किया, तो गारंटी से मैं कहता हूँ, बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगले 5 साल में दुनिया के सामने हेल्थ फॉर ऑल का सबसे सफल मॉडल जिसको दुनिया फॉलो कर सके वो भारत दिखाएगा। उसकी हम सब में क्षमता है। आज का जो अवसर है इसी प्रकार का नया संकल्प लेकर यहाँ से मैं समझता हूँ जाने का अवसर है। मैं सभी देशभर के अधिकारियों को, अपने मंत्रालय के सभी अधिकारियों को और CDAC के सभी अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को, और आने वाले समय में जिस प्रकार से इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ और डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, कितनी चीज़ें हैं, मैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि कितनी चीज़ों के साथ इसको जोड़कर किस स्तर तक इसका जो विस्तार किया जा सकता है, उसकी जो संभावनाएँ हैं, उन सब का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आने वाले समय में भारत को एक अभूतपूर्व ऐसा ऐतिहासिक हेल्थ के क्षेत्र का मॉडल के रूप में डेवलप करेंगे जिसको सारे दुनिया जो है इम्यूलेट कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जैसा अभी राजेश भूषण जी ने कहा कि थोड़े समय बाद हम लोग फिर एक बड़े कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे जहाँ सारा देश और गहराई से जुड़ा होगा, और हम एक एक स्टेट्स की जो गौरव गाथा है इस टेलीमेडिसिन के फील्ड की, इस अवसर पर जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो हमारी मेडिकल काउंसिल का, उनका भी हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि टेलीमेडिसिन की जो गाइडलाइंस हैं उनको कोविड के पीरियड में, इतने कठिन पीरियड में उन्होंने देश के सामने नोटिफाई किया, और उसका लाभ ये हुआ कि कितने बड़े पैमाने पर कोविड का ट्रीटमेंट करने में भी दिल्ली के बड़े से बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर और दूर दराज के इलाके में भी कोविड का इलाज करने वाले डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन, जो लॉकडाउन के कारण डॉक्टर क्लिनिक पर और पेशेंट क्लिनिक पर नहीं आ सकते थे, उनके बीच का समन्वय, बहुत सारे काम इस कोविड ने हमारे लिए एक प्रकार से ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहेंगे, भले ही बहुत तकलीफ़ है हम लोगों को कि बहुत सारे लोग जो है उनको ये संसार छोड़ना पड़ा कोविड के कारण, लेकिन आने वाले समय के लिए जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमको बेहतरी के लिए भी कोविड ने सिखाई हैं, अगर उनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में समावेश करेंगे तो शायद हमको जो है निश्चित रूप से इस बात के आनंद की अनुभूति होगी। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, और अब हम लोग डॉक्टर विजय भास्कर रेड्डी को सुनेंगे और सभी स्टेट सेक्रेटरीज जो भी हमें बताना चाहते हैं वो भी हम जानेंगे।